हेलो दोस्तों, मैं हूं विदित। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीरियल चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। दोस्तों बता दूं कि सीरियल चंद्रगुप्त मौर्य का अपकमिंग एपिसोड बेहद शानदार होने वाला है, क्योंकि इसके आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे भरपूर एक्शन। जैसा कि हम सभी को पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य देखने वाले सभी फैंस चंद्रगुप्त मौर्य के हिस्टोरिकल एक्शन सीन्स जो होते हैं उनको लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि कब वे सीन दिखाया जाए और कब काफी ज्यादा सीरियल बेहतर बने। दोस्तों बता दूं कि आने वाला एपिसोड एक्शन से भरपूर होने वाला है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को फिलहाल आप देख रहे हैं एक यूनानी वेशभूषा में, एक यूनानी सैनिक के रूप में। और वहीं पे अब यूनानी सैनिक के रूप में वह अपने ही यूनानी सैनिकों को धूल चटाने वाला है अपकमिंग एपिसोड में। ऐसा क्यों होगा, आइए इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों बता दूं कि यूनानी सैनिकों को से वे इसलिए लड़ाई करेगा क्योंकि वह उसके परम मित्र, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य अपना सबसे बड़ा शत्रु समझता है, यानी दुर्धरा के मान और सम्मान पे बात आ जाएगी। इसलिए दोस्तों आप देखेंगे कि दुर्धरा एक चाल चलने की कोशिश करेगी और सभी यूनानी सैनिकों को फंसाने की कोशिश करेगी, लेकिन यूनानी सैनिक इसका पलटवार करते हुए उन्हें ही घेर लेंगे और उसके मान और सम्मान पे खतरा आ जाएगा, यानी दुर्धरा के मान और सम्मान पे खतरा आएगा। ऐसे में अंबिक कुमार भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें सभी को पता है कि अंबिक कुमार का कैरेक्टर किस प्रकार दिखाया गया है सीरियल में। ऐसे में अब कौन बचता है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य बचाएगा दुर्धरा के पूरे मान और सम्मान की रक्षा करेगा। और अब आप देखेंगे अपकमिंग एपिसोड में चंद्रगुप्त मौर्य का एक मौर्य एक चक्रवर्ती सम्राट वाला रूप, कि वह अकेला ही कितने सारे यूनानी सैनिकों को अकेला ही धूल चढ़ा देगा और अपनी ताकत दिखाएगा कि वह है असली चंद्रगुप्त मौर्य। तो आने वाला एपिसोड बेहद शानदार होने वाला है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य किस प्रकार से एक नई रणनीति चलेगा चाणक्य के साथ मिलके, और अंबिक कुमार, सेल्यूकस और धनानंद के बीच में एक दरार ला देगा, उनके बीच में गलत फहमियां उत्पन्न कर देगा, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य का मकसद काफी ज्यादा आसान हो जाएगा और अपने शत्रुओं का खात्मा कर देंगे चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य। ये रणनीति लेकर चल रहा है चंद्रगुप्त मौर्य। अब इसे कैसे कामयाब बनाता है देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा अपकमिंग एपिसोड में। तो आप अपकमिंग एपिसोड बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ ताकि और भी ऐसी अपडेट्स आपको देते रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि ऐसी और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपको देते रहेंगे। अगली वीडियो के साथ फिर से लौटूंगा, जब तक लिए थैंक यू दोस्तों।